डॉक्टर रहमान इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्रेनिया एक्जेंसेफले एंड एनेंकेफले सीक्वेंस। लास्ट टाइम हमने एनेंकेफले को थोड़ा सा डिस्कस किया था। यूजली जो है वो 14 वीक्स तक हमें एनेंकेफले के करेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे, जिसमें हमें कोई भी ब्रेन टिश्यू ऑर्बिट्स के ऊपर नज़र नहीं आता और हमें जो है वो बहुत अच्छी फ्रॉग अपेयरेंस मिल रही होती है। सेंस ऑफ कैल्वेरियम होती है, कोई ब्रेन टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। उसमें एक सीक्वेंस आ जाता है कि एनेंकेफले स्टार्ट किस तरह से होता है। पहले एक्रेनिया होता है, उसके बाद एक्सेंकेफले होता है, फिर एनेंकेफले होता है। तो एक्रेनिया से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली ये सीक्वेंस स्टार्ट कैसे होता है, पैथोलॉजी स्टार्ट कैसे होती है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर एक इमेज जो है वो डिस्प्ले हुआ हुआ है बच्चे का, जो ये देखे ना पीछे बहुत ज़्यादा ब्रेन प्रोट्रूड कर रहा है। कैल्वेरियम प्रेजेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक्रेनिया। बहुत कम फीटस इस तरह के होते हैं जो एक्रेनिया के साथ बोर्न हो जाते हैं और सर्वाइव तो बहरहाल नहीं करते। कैल्वेरियम एब्सेंट होती है लेकिन प्रॉपर जो ब्रेन टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। आगे एक्जेंकेफले और एनेंकेफले तक जो है वो फर्दर उसकी डिवेलपमेंट नहीं होती, वहाँ तक नहीं जाता, एक्रेनिया के साथ ही वो बोर्न हो जाता है। यहाँ पे न्यू बोर्न हैविंग एनेंकेफले है, ब्रेन स्टेम है उसकी, अंडर डेवलप्ड ब्रेन है, प्रॉपर ब्रेन नहीं बना हुआ, कुछ पार्ट्स उसके बने हुए हैं कुछ नहीं बने हुए, और नॉर्मली डेवलप्ड स्कल लाइन है जहाँ तक जो है वो स्कल होनी चाहिए थी। यहाँ पर कैल्वेरियम होनी चाहिए थी ऊपर जो स्कल बोन होती है, लेकिन वो नहीं है। और यहाँ पे एक नॉर्मल ब्रेन है जिसमें एक प्रॉपर जो है वो स्कल भी प्रेजेंट है और प्रॉपरली डेवलप्ड ब्रेन है। एक्रेनिया को सबसे पहले इनकी हम तीनों की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि तीनों एक्चुअली होते क्या हैं, कब कौन से फीचर्स होंगे तो हम उसको कौन से टर्म का नाम देंगे, और उसके बाद जो हम ये प्रॉपर एक सीक्वेंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक्रेनिया बेसिकली रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर है ह्यूमन फिटिसिस में, जिसमें फ्लैट बोन्स जो हैं वो पार्शली या कम्प्लीटली एबसेंट होती हैं। ये अल्ट्रासाउंड का एक इमेज है जिसमें हमें ऊपर दो जो है वो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, और ये एक्चुअली ब्रेन टिश्यू है, पार्शली प्रेजेंट है, प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, और इसको ये क्लियर जो है ये थिन सी लेयर है ये कवर कर रही है, लेकिन इसमें क्रेनियम नहीं बनी हुई, स्कल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसको हम एक्रेनिया बोलेंगे जिसमें ब्रेन तो प्रेजेंट है, प्रॉपर एक लेयर भी कवर कर रही है, लेकिन एक्रेनिया बेसिकली ए मीन्स एब्सेंट, क्रेनिया फॉर क्रेनियम, एब्सेंट ऑफ क्रेनियम इज कॉल्ड एक्रेनिया। एक्जेंकेफले को देख लेते हैं। एक्जेंकेफले रियल मेल फॉर्मेशन है न्यूरल ट्यूब की, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोट्रूडिंग ब्रेन टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसमें कैल्वेरियम एब्सेंट होती है। जैसे एक्रेनिया था उसमें कैल्वेरियम एब्सेंट थी, पहले एक्रेनिया होता है, उसके बाद कुछ वीक्स के बाद जो है वो उसमें जो लेयर ऊपर कवर कर रही थी, लास्ट इमेज में हम देखें तो यहाँ पे जो एक थिन लेयर है कवर कर रही है इसको, ये एक्रेनिया है, लेकिन कुछ वीक्स के बाद ये थिन लेयर जो है ये डिसअपेयर हो जाएगी और जो ब्रेन टिश्यू है, अंडर डेवलप्ड टिश्यू है, वो एक्सपोज हो रहा होगा एमनियन में, लाइकर में, एमनियोटिक फ्लूइड में वो एक्सपोज हो रहा होगा, उसको हम बेसिकली एक्जेंकेफले कहते हैं, जिसमें ब्रेन टिश्यू एक्सपोज हो रहा होता है फ्लूइड में, लाइकर में। कैल्वेरियम इसमें भी एब्सेंट है, ये वाली जो कंडीशन है फर्दर आगे जब ग्रो करती है, फर्दर आगे उसकी ग्रोथ होती है तो वो एक्जेंकेफले बन जाता है और फर्दर जो है एक्जेंकेफले आगे एनेंकेफले में चला जाता है, जिसमें ब्रेन टिश्यू बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। रेडियोग्राफिक फीचर्स देख लेते हैं। इमेजिंग फीचर्स जो हैं वो कुछ एक्जेंकेफले की तरह के होते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो मेन इसमें डिफरेंस है वो ये है कि एक्जेंकेफले में हमें ब्रेन टिश्यू नज़र आता है, अमॉर्फस इरेगुलर सा मैस पड़ा होगा अबव द फीटल ऑर्बिट्स, फीटस के जो ऑर्बिट्स होंगे उसके ऊपर इरेगुलर अमॉर्फस टिश्यू पड़ा होगा, उसको हम एक्जेंकेफले कहेंगे। क्रेनियल वॉलेट जो है, स्कल है, वो एक्जेंकेफले एनेंकेफले दोनों में एब्सेंट होगी या पोअरली फॉर्म्ड होगी ऑर्बिट्स के ऊपर। नेजल बोन जो है एब्सेंट हो सकती है इन मोस्ट केसेस। ब्रेन टिश्यू जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड में हर्निएट कर रहा होगा, डेंगलिंग पोजीशन में होगा, फुली एक्सपोज्ड होगा,
और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो ब्रेन टिश्यू अटैच भी हो सकता है, यानी जो एक थिन लेयर एक क्रेनिया में कवर कर रही थी ब्रेन को वो डिसअपियर हो गई, जो अंदर ब्रेन टिश्यू पड़ा हुआ है वो फुली एक्सपोज हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो उसको हम एक्सेंकेफले कह देंगे, उसमें हमें ऊपर ब्रेन टिश्यू मिल रहा होगा। यही कंडीशन फर्दर आगे जब ग्रो करती है तो इसको हम एनेनकेफले कहते हैं। यहाँ पे दो इमेजेस हैं फीटसिस के, जिसमें स्कल वॉलेट हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्रेनियम एब्सेंट है, ब्रेन टिश्यू अलबत्ता ऑर्बिट इरेगुलर अमॉर्फस टाइप टिश्यू नजर आ रहा है इस इमेज में भी, और इस इमेज में भी ये इरेगुलर टिश्यू पड़ा हुआ है। और ये जो है ये फीटस फेस है, जिसमें कुछ फीचर्स जो हैं फेशियल फीचर्स वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम एक्सेंकेफले कहेंगे, जो फर्दर एनेनकेफले में डेवलप हो जाता है। एनेनकेफले को ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके थे कि इसमें हमें कोई ब्रेन टिश्यू अबव द लेवल ऑफ ऑर्बिट्स नहीं मिल रहा होता, और हमें बहुत अच्छे एक फ्रॉग आई अपेरेंस मिल रही होती है। एनेनकेफले जो है वो सोनोग्राफिकली हम डिटेक्ट कर सकते हैं एज अर्ली एज 11 वीक्स। इसके जो फीचर्स हैं उसमें यह है कि नो पेरेनकाइमल टिश्यू इज सीन अबव द ऑर्बिट्स, कैल्वेरियम एब्सेंट है, पार्ट्स ऑफ ओसीपिटल बोन एंड मिड ब्रेन मे बी प्रेजेंट। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूरल टिश्यू इज प्रेजेंट इट इज देन टर्म्ड एक्सेनकेफले, जो इसकी अर्ली स्टेज होती है, जिसमें हमें थोड़ा सा टिश्यू ब्रेन टिश्यू मिल रहा होता है अबव द लेवल ऑफ ऑर्बिट्स। जब वो डिसअपियर हो जाएगा तो उसको हम फिर एनेनकेफले का नाम दे देते हैं। और जो फीचर्स हैं जो इसको कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस में, सीआरएल की वैल्यू कम आ रही होगी, फ्रॉग आई अपेरेंस होगी, और इसमें पॉलीहाइड्रोमनियोस भी हो सकता है, इम्पेयर्ड स्वेलविंग की वजह से फीटस जो है वो प्रॉपर स्वॉलो नहीं कर सकता लाइकर को, जिसकी वजह से लाइकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एनेनकेफले के इमेजेस हैं जिसमें हमें प्रॉपर एक जो है वो फ्रॉग आई अपेरेंस मिल रही है। यहाँ भी देखें तो क्रेनियम तो तीनों में ही एब्सेंट होगी ना, एक क्रेनियम से स्टार्ट हो रहा है तो क्रेनियम तो एब्सेंट ही है, फिर उसके बाद जो है वो एक्सेनकेफले में ब्रेन टिश्यू हमें मिलेगा अबव द लेवल ऑफ ऑर्बिट्स, और जब वो भी डिसअपियर हो जाएगा तो फिर ये एनेनकेफले के फीचर्स हैं। डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक गेस्टेशन है, जिसमें फीटस ए का सीआरएल जो है वो अप्रॉक्स 4.07 सेंटीमीटर आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू 11 वीक्स, और फीटस बी जो है इसमें सीआरएल 3.13 सेंटीमीटर आ रहा है कोरस्पॉन्डिंग टू 10 वीक्स 1 डे। फीटस बी का जो सीआरएल है वो कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू फीटस ए, और फर्दर जो है इसमें ये कन्फर्म डायग्नोसिस था एनेनकेफले का, एक रेनिया देन एक्सेनकेफले देन एनेनकेफले। यहाँ पे भी कुछ इमेजेस हैं जिसमें 9 वीक्स और 14 वीक्स के स्टेशन है, रेनियम एब्सेंट है, और पोलीहाइड्रोमनियोस भी है, लाइकर बहुत ज़्यादा है, और फर्दर जो है ये एनेनकेफले में डेवलप हो जाता है, जिसमें हमें कोई भी ब्रेन टिश्यू नहीं नज़र आता। हम सीक्वेंस को देख लेते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोग्रेशन फ्रॉम अ रिलेटिवली नॉर्मल अपेयरिंग एक्सपोज्ड ब्रेन ड्यू टू एन एब्सेंट क्रेनियम, यानी एक क्रेनिया से स्टार्ट हो रहा है रिलेटिवली नॉर्मल अपेयरिंग ब्रेन होता है, टू एन अमॉर्फस ब्रेन मैस, यानी एक इरेगुलर जो है वो ब्रेन टिश्यू पड़ा होता है जो एक्सपोज होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, उसको एक्सेनकेफले कहते हैं, टू नो रिकोगनाइजेबल ब्रेन टिश्यू, यानी बिल्कुल भी वो ब्रेन जो है डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, फ्रॉग आई अपेरेंस हो जाती है, यानी एनेनकेफले। तो ये प्रोग्रेशन होती है फ्रॉम एक रेनिया टू एनेनकेफले, जिसको हम एक रेनिया एक्सेनकेफले और एनेनकेफले सीक्वेंस कहते हैं। ये नॉर्मेलिटी जो है ये 4 वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट होती है, जब जो न्यूरल ट्यूब होती है उसका इंटीरियर पार्ट जो उसने क्लोज होना होता है लेकिन प्रॉपरली वो क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मेसेनकाइमल टिश्यू होता है जिसने क्रेनियम को बनाना होता है वो नॉर्मली यहाँ पे माइग्रेट नहीं करता, प्रॉपर क्रेनियम नहीं बनती, एब्सेंट ऑफ क्रेनियम हो जाती है, एक क्रेनिया में फिटस चला जाता है। और एक्टोडर्म जो लेयर होती है वो जो हमने पहले एक क्रेनिया में देखा था कि एक थिन सी लेयर ब्रेन को कवर कर रही थी अनडेवलप्ड ब्रेन को, तो वो एक्टोडर्म की लेयर होती है बेसिकली जो उसको कवर कर रही होती है, बाद में वो भी डिसअपियर हो जाती है, और उसके बाद जो है
वो फीटस एक्सेनकेफले में चला जाता है जिसमें उसका ब्रेन टिश्यू प्रॉपरली एक्सपोज हो रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड में. कैल्वेरियम मसल्स ऑफ स्कैल्प एंड ड्यूरा आर नॉट फॉर्म्ड. कैल्वेरियम भी एब्सेंट होती है, स्कैल्प के मसल्स और ड्यूरा जो है वो नहीं बनते, सिर्फ एक लेयर एक्टोडर्म बन रही होती है जो एक रेनिया में कवर कर रही होती है अनडेवलप्ड ब्रेन को. एक रेनिया एक्सपोजिस द ब्रेन टू द एमनियोटिक फ्लूइड विद अ रिस्क ऑफ फ्रिक्शन with the uterine wall, placenta and fetal parts. This condition is called exencephaly. यानि पहले एक रेनिया था जिसमें एक लेयर जो है उसको कवर कर रही थी, उसके बाद जो है वो यूट्राइन वॉल की फ्रिक्शन प्लेसेंटा और फीटल पार्ट्स की वजह से जो है वो फीटल ब्रेन एमनियोटिक फ्लूइड में फुली एक्सपोज हो गया जिसको हम एक्सेनकेफले कहते हैं. अनप्रोटेक्टेड ब्रेन टिश्यू अंडरगोस progressive destruction and degeneration due to mechanical and chemical trauma leading to complete or almost complete disappearance of brain from 14 weeks gestation onward. 14 weeks तक जो है वो mechanical और chemical trauma की वजह से proper destruction हो जाती है सारे जो brain उस time पे develop हुआ होता है, क्योंकि वो protected नहीं होता किसी भी bone से, तो फुली एक्सपोज होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में और आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ से डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में जो है वो. फिर हमें उस ब्रेन की इकोजेनिक पार्टिकल्स जो है वो फ्लोटिंग में नज़र आते हैं, तैर रहे होते हैं. वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बेसिकली इकोजेनिक हो जाता है, थोड़ा सा हमें उसमें पार्टिकल्स मिल रहे होते हैं. अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन्स में जो है वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्रेन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम क्रोनल प्लेन पे देख सकते हैं. उसमें हमें मिक्स माउस साइन मिल रहा होता है. एक रेनिया में टू सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग अबव द फीटल फेस जस्ट लाइक द राउंडेड ईयर्स ऑफ मिकी माउस. माउस के राउंडेड ईयर्स की तरह जो जैसे हमें एक रेनिया में हमने इमेज देखा था, मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूं. यहां पे ये दो जो है मिक्स माउस